नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। आकाशीय बिजली की घटना कुछ सेकंड के लिए होती है, लेकिन इसमें इतने ज्यादा वोल्ट का करंट होता है कि किसी की भी जान लेने के लिए काफी है। आकाशीय बिजली गिरने से हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। आज के इस वीडियो में हम आसमान से गिरने वाली इस आफत से जुड़ी सभी बातों पर चर्चा करेंगे। कड़क के साथ आसमान से गिरने वाली बिजली को हिंदी में तड़ित और अंग्रेजी में लाइटनिंग कहते हैं। बारिश के दिनों में बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। जब बादल तेजी से एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाते हैं तो वो आपस में टकरा जाते हैं। इससे उनके बीच घर्षण पैदा होता है। घर्षण होने से अचानक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज निकलती है। ये तेजी से आसमान से जमीन की तरफ आती है। इस दौरान हमें कड़क आवाज सुनाई देती है और बिजली की स्पार्किंग की तरह प्रकाश दिखाई देता है। इसी को हम आकाशीय बिजली कहते हैं। अब इसी को विस्तार से समझते हैं। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है। इस वाष्प से बादल बनते हैं, लेकिन सभी तरीके के बादल बिजली नहीं बनाते। बिजली पैदा करने वाले बादल आमतौर पर धरती से करीब 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इनका बेस पृथ्वी की सतह से लगभग 1 से 2 किलोमीटर ऊपर होता है। सबसे ऊंचाई का तापमान -35 डिग्री सेल्सियस से -45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जब ज्यादा गर्मी और नमी मिलती है तो बिजली वाले खास तरह के बादल थंडर क्लाउड बन जाते हैं और तूफान का रूप ले लेते हैं। बादलों में नमी होती है। ये नमी बादलों में पानी के बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और पानी के कणों के बीच टकराव होता है, जिससे घर्षण होता है। इस घर्षण से बिजली पैदा होती है और पानी के कण आवेशित यानी कि चार्ज हो जाते हैं। हल्के कण ऊपर चले जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। भारी कण नीचे जमा होते हैं और नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। यानी बादलों के निचले हिस्से में नेगेटिव और ऊपरी हिस्से में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है तब उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। तेजी से होने वाला इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिजली कड़कने के रूप में हमारे सामने आता है। इस तरह बादलों में बिजली बनती रहती है। ज्यादातर बिजली बादलों में बनती है और वहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन कई बार ये धरती पर भी गिरती है। बादलों के बीच बिजली कड़कना हमें नजर आता है और उससे कोई नुकसान भी नहीं है। नुकसान तब होता है जब बादलों से बिजली जमीन पर गिरती है। आसमान से बिजली धरती पर 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गिरती है। आकाशीय बिजली में लाखों अरबों वोल्ट की ऊर्जा होती है। इस बिजली का तापमान सूर्य के ऊपरी सतह से भी ज्यादा होता है। इसकी क्षमता 300 किलोवाट यानी कि 12.5 करोड़ वाट से ज्यादा चार्ज की होती है। जब ये जमीन पर गिरती है तो अपने पूरे रास्ते को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। बादलों में जब बिजली बन रही होती है तब धरती पर मौजूद चीजों का इलेक्ट्रिक चार्ज बदलता है। धरती का ऊपरी हिस्सा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और निचला हिस्सा नेगेटिव चार्ज रहता है। मीनार, ऊंचे पेड़, घर या फिर इंसान जब पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं तब उससे पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी निकलकर ऊपर की तरफ जाती है। इसे स्ट्रीमर कहते हैं। बादलों के निचले हिस्से में मौजूद नेगेटिव चार्ज स्ट्रीमर की तरफ आकर्षित होता है, जिससे बिजली धरती पर गिरती है। यही कारण है कि ऊंची चीजों पर बिजली गिरने की संभावना ज्यादा होती है। अगर आसपास कोई ऊंची चीज ना हो तो बिजली इंसान या फिर धरती पर गिरती है। आसान शब्दों में कहें तो आकाशीय बिजली पृथ्वी पर पहुंचने के बाद एक माध्यम को तलाशती है जहां से वो गुजर सके। वो किसी को पकड़ने की कोशिश करती है। अगर ये आकाशीय बिजली बिजली के खंभे के संपर्क में आती है तो वो उसके लिए कंडक्टर का काम करती है। लेकिन उस समय अगर कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आ जाता है तो उसकी जान तक चली जाती है। ये सभी चीजें बिजली के लिए शॉर्ट सर्किट का काम करती है। ये बिजली पेड़ों पर गिरती है तो पेड़ गिर जाते हैं। बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और आवाज बाद में सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है। लेकिन बिजली का गिरना और बिजली का चमकना दोनों अलग अलग बातें हैं। हर बिजली का चमकना बिजली का गिरना नहीं होता। बिजली अगर आकाश में भी रहे तो उसे केवल बिजली का चमकना या गरजना कहेंगे। लेकिन बिजली अगर धरती या फिर धरती पर किसी चीज से टकराए तो वो बिजली का चमकना और गरजना तो होगा ही, बिजली का गिरना भी कहलाएगा। आकाशीय बिजली ज्यादातर बरसात के दिनों में गिरती है। जिस पर बिजली गिरती है उसके आसपास करंट फैल जाता है। अमेरिका की वेदर सर्विस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा मौतें इसी वजह से होती हैं। इसकी चपेट में वो लोग ज्यादा आते हैं जो खुले आसमान के नीचे हरे पेड़ के नीचे होते हैं, पानी के करीब होते हैं या फिर बिजली और मोबाइल के टावर के नजदीक होते हैं। आसमानी बिजली का असर ह्यूमन बॉडी पर कई गुना होता है, जिन्हें आसानी से ठीक भी नहीं किया जा सकता। इन बिजली का असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है और हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसी के साथ आकाशीय बिजली से व्यक्ति अपंग हो सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। आकाशीय बिजली के गिरने में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का भी बड़ा हाथ है। साल 2015 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रकाशित एक स्टडी में इस बात को लेकर चेतावनी दी गई है कि तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने से आकाशीय बिजली के गिरने में 12% की वृद्धि होती है।
साल 2010 से 2020 के बीच गर्मियों के महीने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। साल 2010 में इनकी संख्या 18,000 से बढ़कर साल 2020 तक 1,50,000 से ज्यादा हो गई। लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडियन कैंपेन की तरफ से हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2020 और मार्च 2021 के बीच भारत में बिजली गिरने की 18.5 मिलियन घटनाएं दर्ज की गईं। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आकाशीय बिजली से कैसे बचाव किया जा सकता है। आकाशीय बिजली एक चीज पर दो बार नहीं गिरती। पेड़ के नीचे शरण लेने वालों के ऊपर बिजली गिरने का ज्यादा खतरा रहता है। भारत में 1/4 मौतें पेड़ के नीचे या फिर पास खड़े लोगों की हुई हैं। घर और कार जैसी बंद जगह इंसान को बिजली से बचाती है। कार पर जब बिजली गिरती है तब वो टायर से होते हुए धरती में चली जाती है। इसी तरह घर पर बिजली गिरने से वो नींव के रास्ते धरती में चली जाती है। बिजली गिरते समय अगर कोई नल से निकल रहे पानी के संपर्क में हो या फिर लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल कर रहा हो तो उसे झटका लग सकता है। इसीलिए बिजली कड़कने के दौरान अगर कोई नाव चला रहा हो तो बाहर आ जाना चाहिए। रबर टायर या फिर फोम इससे बचाव कर सकते हैं। अगर आप बादलों के गरजने के समय घर के अंदर हैं तो घर के अंदर ही रहें। ऐसे समय में बिजली की चीजों से दूरी बनाकर रखें, जैसे रेडिएटर, फोन, धातु के टाइप, स्टोव आदि। जिस समय बिजली कड़क रही हो उस समय मोबाइल या फिर किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल ना करें। पेड़ के नीचे या फिर खुले मैदान में जाने से बचें। अगर आप खुले मैदान में हैं तो जल्दी से किसी बिल्डिंग में जाकर खड़े हो जाएं। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।